विमेन टी20 वर्ल्ड कप से पहले फिलहाल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की 5 मैचेस की टी20 सीरीज चल रही है, जिसका तीसरा मुकाबला मुंबई के बेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया। सेकंड मैच जीत कर आगे आई टीम इंडिया को तीसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। शेफाली वर्मा की तूफानी पारी के बावजूद टीम इंडिया अपने खाते में जीत दर्ज नहीं करवा पाई और अपनी शानदार फील्डिंग और बॉलिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। मैच में क्या कुछ खास रहा, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का जैन और आप देख रहे हैं क्रिकेट एडिक्टेड। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टी20 सीरीज में एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपना वर्ल्ड कप चैंपियन अंदाज दिखा दिया और टीम इंडिया को करारी शिकस्त दी और इस सीरीज में अपना दबदबा एक बार फिर कायम कर दिया। शेफाली वर्मा की हाफ सेंचुरी के बावजूद टीम इंडिया जीत हासिल नहीं कर सकी और 21 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में इंडियन टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, जिसमें टीम इंडिया की शुरुआत काफी शानदार रही और पहले ही ओवर में रेणुका सिंह ने अपनी शानदार बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन एलिसा हेली को चलता किया, जिसके बाद दूसरे ओवर में अंजलि सरवानी ने भी अपना जलवा दिखाया और पहला मैकग्रिथ को इस सीरीज में पहली बार आउट करने में सफल हुई। लेकिन टीम इंडिया की शानदार बॉलिंग के बावजूद एलिसा पेरी ने मुश्किलें बढ़ा दी और 47 बॉल में 75 रनों की शानदार पारी खेल ऑस्ट्रेलियन टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई और उनका साथ दिया ग्रेस हैरिस ने। उन्होंने 18 बॉल्स में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 41 रनों की पारी खेली और मिला जुलाकर 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 172 का स्कोर खड़ा किया। इंडिया की तरफ से सबसे सफल बॉलर रेणुका सिंह रही। रेणुका ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 सफलताएं अपने नाम की। इसके अलावा दीप्ति शर्मा, देविका वैद्य और अंजलि शर्वानी को भी 2-2 विकेट हासिल हुए। 173 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडियन टीम की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। पिछले मैच में टीम इंडिया के लिए सेवियर साबित हुई स्मृति मंधाना सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गई, लेकिन दूसरी तरफ शेफाली वर्मा ने अपना स्पॉट मजबूत रखा और शानदार अर्धशतक जड़ दिया। शेफाली ने 41 बॉल्स में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 52 रनों की पारी खेली, लेकिन फिर निकोला कैरी को अपना विकेट दे बैठी। जेमिमा रॉड्रिक्स की भी शुरुआत शानदार रही। लगा था कि वो आज कुछ कमाल जरूर करेंगी और टीम को जीत दिलाएंगी, लेकिन 5वें ओवर में वो भी 11 बॉल पर 16 रन बनाकर आउट हो गई, जिसके बाद मैदान पर आई टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर ने तीसरे विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी बनाई, जिसके दम पर भारत जीत की ओर बढ़ रहा था। लेकिन शेफाली के आउट होने के बाद हरमनप्रीत ने पारी को संभालने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन दूसरे एंड पर लगातार विकेट गिरते रहे, जिसके बाद 17वें ओवर में हरमन भी 27 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेलकर मेगन शूट की गेंद पर कैच आउट हो गई। उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया 20 ओवर में 7 विकेट पर महज 151 रन ही बना सकी और 21 रन से मैच हार गई और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सीरीज में 2-1 से आगे है। अगर टीम इंडिया को ये सीरीज जीतनी है तो बाकी के दोनों मैचेस में जीत हासिल करनी होगी। अगला मुकाबला 17 दिसंबर को इसी ग्राउंड में होने वाला है और उम्मीद है कि टीम इंडिया अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाते हुए जीत हासिल करने में कारगर साबित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।